इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लेकर के। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बड़े वोटों से पछाड़ दिया है, एक तरफा राहुल गांधी आगे निकले हैं। क्या कुछ है पूरी खबर आप लोगों को बताएंगे, उससे पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी के समर्थन में है और मानते हैं कि राहुल गांधी यहां पर सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर के 24 में भाजपा को हराने जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। खबर बताते चले, मोदी राहुल में डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो किसे चुनेंगे, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। राहुल गांधी के समर्थन में 90% लोगों ने कहा है कि वे राहुल गांधी को पीएम चुनेंगे, जबकि नरेंद्र मोदी के समर्थन में मात्र 10% लोग ही खड़े हुए नजर आए। 2024 में आ रहे हैं राहुल गांधी, ये यहां पर साफ तौर पर अब नजर आने लगा है, क्योंकि जनता एक तरफा राहुल गांधी के समर्थन में खड़ी हुई नजर आ रही है। दोस्तों ये यहां पर खबर है, आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट करके इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। नुह में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। इन सबके बीच में ओवैसी का सरकार पर बड़ा हमला, एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर सरकार पर हमला किया है। यात्रा निकाले जाने को लेकर के उन्होंने कहा है कि हरियाणा की भाजपा सरकार के आदेश के खिलाफ जाकर के वीएचपी शोभा यात्रा निकालने पर अड़ी है, इसको लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर नुह में एक बार फिर से हिंसा हुई तो इसका जिम्मेदार सिर्फ यहां पर हरियाणा की भाजपा सरकार होगी। ये यहां पर ओवैसी ने जबरदस्त तरीके से घेरा है हरियाणा की भाजपा सरकार को, और इसके साथ ही बताते चले, नुह जाने से रोके गए हैं। अयोध्या से आए हुए संत टोल प्लाजा पर ही अनशन पर बैठ गए हैं, और वहीं ड्रोन से लगातार निगरानी भी रखी जा रही है तमाम इलाकों में। चप्पे चप्पे पर पुलिस यहां पर लगाई गई है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी माहौल खराब ना कर सके। ये यहां पर अपडेट आई है दोस्तों, अगली बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जज ने उठाए सवाल, तो जज का ही तबादला कर दिया गया है। क्या है पूरी खबर दोस्तों बताते चले, यहां पर लगातार भाजपा सरकार अपनी तानाशाही कायम करना चाहती है और न्यायपालिका से लेकर के तमाम सरकारी संस्थाओं पर कब्जे की तैयारी में है भाजपा, इसी का एक और उदाहरण देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, डैम साइट अतिक्रमण पर मध्य प्रदेश सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाने वाले न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल का एनजीटी की सेंट्रल बेंच से दिल्ली की मुख्य बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया है। जारी आदेश के मुताबिक न्यायमूर्ति एसके सिंह अब मुख्य बेंच की कमान संभालेंगे। दरअसल दोस्तों, जस्टिस सुधीर अग्रवाल की अध्यक्षता वाली एनजीटी की सेंट्रल बेंच ने भोपाल में दो बांध स्थल के पास निषिद्ध क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने में सरकार की निष्क्रियता पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी। इसके साथ ही राज्य सरकार पर 5,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था, जिसके बाद जज का ही तबादला कर दिया गया है। ये यहां पर खबर निकल के आई है दोस्तों सामने, आप लोगों की क्या कुछ राय है अपडेट को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक में बीजेपी कर रही है नेतृत्व संकट का सामना। जगदीश सट्टार ने बताया लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीतेगी कांग्रेस पार्टी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश सट्टार ने भाजपा पर जमकर के निशाना साधा है। कर्नाटक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति न होने पर राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता जगदीश सट्टार ने कहा है कि बीजेपी जिस स्थिति से गुजर रही है उसे पता चलता है कि वह बिना नेता के है। उन्होंने कहा कि सूबे में बीजेपी नेतृत्वहीन है, यही कारण है कि वह अब तक नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन सकी है। राज्य में भाजपा की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, और इसके साथ ही उन्होंने यहां पर दावा किया है कि भाजपा के कई दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के संपर्क में भी हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में राज्य में भाजपा की स्थिति और भी खराब हो जाएगी, इसके बाद कई बड़े नेता भाजपा छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। इसके साथ ही
कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा छोड़कर के कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश सेट्टार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कर्नाटक में 12 से 15 सीटें आसानी से जीतेगी। उन्होंने कहा है कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए अगर वह 15 से अधिक सीटें जीत जाए तो कोई भी आश्चर्य नहीं होगा। एक तरफा कांग्रेस पार्टी राज्य में लोकसभा की सीटें जीतने जा रही है, यह यहाँ पर बड़ा दावा किया है पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश सेट्टार ने। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन ने बनाई है जबरदस्त बढ़त एनडीए पर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर कहा वोट शेयर के मामले में एनडीए पर भारी है इंडिया। आंकड़े यहां पर चौंकाने वाले जारी किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा। एनडीए के समर्थन में यहां पर मात्र 41% लोग ही खड़े नजर आ रहे हैं देश के, जबकि इंडिया गठबंधन के समर्थन में 49% यहां पर लोग हैं, यानी कि 49% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन के साथ, कि एनडीए के साथ यहां पर मात्र 41% वोट शेयर ही जा रहा है। कांग्रेस ने आगे कहा है कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। इतना ही नहीं, आप लोगों को आगे दोस्तों यह भी बताते चलें कि कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एक बड़ा दावा किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया में शामिल होंगी 4 और पार्टियां। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन में आ सकती हैं एनडीए की बैठक में शामिल हुई कई पार्टियां। एनडीए की बैठक में जो 38 दल शामिल हुए थे उनमें से 4 विपक्षी गठबंधन इंडिया के संपर्क में हैं और यहां पर इंडिया गठबंधन अब तगड़े झटके देने की तैयारी में है भाजपा और उसके सहयोगी पार्टियों को। यह यहां पर खबर आई दोस्तों। एक और बड़ी खबर बताते चलें। सीएजी रिपोर्ट में केंद्र सरकार के साथ बड़े घोटाले सामने निकल के आए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के दावे पर बीजेपी यहां पर बैकफुट पर। जी हां दोस्तों, खबर बताते चले आप लोगों को। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दावा किया है कि हाल ही में जारी हुई सीएजी रिपोर्ट में पीएम मोदी की सरकार के साथ बड़े घोटाले सामने निकल के आए हैं। बताते चलें, सीएम स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि सीवीसी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा शिकायतें गृह मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ थीं। अमित शाह के मंत्रालय में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की खबर भी सामने निकल के आई, लेकिन फिर भी कोई भी एजेंसी कार्रवाई नहीं करती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि अगर और भी सही से जांच की जाए देश में तो यहां पर कई लाख करोड़ का यहां पर घोटाला सामने निकल के आ सकता है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार भाजपा की है, यह यहां पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की तरफ से बयान आया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। घोसी के चुनावी मैदान में खुद उतरे हैं अखिलेश यादव, संभाला है मोर्चा। कई दलों का अब तक मिल चुका है समर्थन घोसी विधानसभा उपचुनाव में। अपना दल कमेरावादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने की घोषणा की है। इससे पहले यहां पर सपा के प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया और कहा कि किसी भी कीमत पर उनकी जीत को सुनिश्चित करेगी पार्टी और सभी कार्यकर्ता मिलकर के सपा के प्रत्याशी के लिए प्रचार भी करेंगे। और इन सब के बीच में अब खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां पर उपचुनाव की कमान संभाल ली है और जबरदस्त तरीके से वो यहां पर अब रैली करते हुए नजर आएंगे। चुनावी मैदान में उतर चुके हैं अखिलेश यादव, घोसी में सुधाकर सिंह के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।